प्यारे दोस्तों, स्वागत है इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड के लेक्चर नंबर 6 में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये जो डेरिवेशन है, छोटा सा डेरिवेशन है, लेकिन बोर्ड के एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इस डेरिवेशन को समझते हैं कि कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म होता क्या है। उससे पहले बउआ, तुमको कम से कम कूलम्ब्स लॉ आना चाहिए। आपको बताया गया था कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। बताया था कि कूलम्ब्स लॉ एक फोर्स है जो दो पॉइंट चार्ज के बीच में लगता है। अगर चार्ज लाइक होगा तो रिपेल करेगा, अगर चार्ज अनलाइक होगा तो अट्रैक्ट करेगा। लेकिन चार्ज कैसी होती है? पॉइंट चार्ज। उसकी डायरेक्शन आपको याद होनी चाहिए, तभी आप कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को आसान भाषा में समझ सकते हो। देखो यहाँ पर समझना कि जैसे मान लो तुम्हारे पास दो पॉइंट चार्ज है। जब हम कूलम्ब्स लॉ को रिपीट करते हैं उसके बाद अपने टॉपिक पर आएंगे। ये चार्ज मान लो Q1 है और ये चार्ज Q2 है, दोनों के साइन प्लस में है। दोनों को मान लो r डिस्टेंस पर रखा गया है, समझ रहे ना बात? तो यहाँ जो फोर्स लग रहा होगा कैसे लग रहा होगा? तो Q1 लगा रहा होगा Q2 पर लगा रहा होगा, और Q2 लगा रहा होगा Q1 पर। कैसे? इसकी डायरेक्शन क्या होती है? ये वाला इस पर रिपेल करेगा बाहर, और ये वाला इस पर फोर्स लगा कर रिपेल करेगा बाहर। इसका नाम लिखेंगे, अगर लिखना होगा तो लिखेंगे फोर्स लग रहा था 2 पे, और किसके कारण लगा? 1 के कारण लगा, ठीक है ना? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इसी तरह इसका नाम बोल दीजिए। तो फोर्स लग रहा है किस पे? 1 पे। किसने लगाया? 2 ने लगाया। इस तरह से हम डायरेक्शन देते हैं। और जब भी फोर्स की जो लाइनें होती है ना, इस दो चार्ज को मिलाने वाला जो लाइन है इसके अलोंग होगी, ये नहीं कि आप इधर भगा देना, इसके अलोंग ही होती है। ये तो समझ में आ गया कि लाइक चार्ज रिपेयर करेगा और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेगा। अब तुम सोचो थोड़ा सा, इसको हम लोग रियल लाइफ में रियल लाइफ से कंपेयर करके पढ़ेंगे। मान लो ये जो फोर्स लग रहा है रिपेल कर रहा हो या अट्रैक्ट कर रहा हो, अगर अनलाइक रहता तो अट्रैक्ट करता, इसको कोई ना कोई आदमी देखने वाला होगा कि नहीं, उसको हम ऑब्जर्वर मान लेते हैं। मान लो यहाँ पर कोई एक ऑब्जर्वर है और वही इस चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है कि लाइक चार्ज है तो रिपेल कर रहा है और अनलाइक चार्ज है तो क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। देखो समझना यहाँ उस चीज़ को, अब यहाँ पे कंपेयर किया जाए। मान लो दो चार्ज ले लिया गया, ठीक है? हम स्टार्ट कर रहे हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये चार्ज मान लो Q1 है और ये चार्ज मान लो Q2 है, दोनों की साइन क्या है? प्लस। दोनों को कुछ डिस्टेंस पे रखा गया है, मान लो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कुछ रखा गया है। अब यहाँ पर अभी आपको बताया गया था कि फोर्स की डायरेक्शन कैसे होती है, कैसे हो रही होगी। Q1 लगा रहा होगा फोर्स Q2 पे, और Q2 लगा रहा होगा फोर्स Q1 पे। ये जो लग रहा है ना फोर्स, इसको कोई ना कोई ऑब्जर्व कर रहा होगा, वो ऑब्जर्व कर रहा होगा, वो देख रहा होगा कि Q1 लगा रहा है Q2 पे, Q2 भी लगा रहा है Q1 पे। ऐसे मान लो कि ये कोई आदमी है, तीसरा आदमी देख रहा है और दो आदमी लड़ाई कर रहा है, तो जो तीसरा आदमी है उसको ऑब्जर्वर मान लो, और ऑब्जर्वर मान लो इसी जगह कहीं ना कहीं बैठा होगा, ठीक है ना? और वो ऑब्जर्वर क्या कर रहा है? इन दोनों की लड़ाई देख रहा होगा। उस ऑब्जर्वर को हम एक्सिस मान लेंगे, ठीक है ना? क्या मान लेंगे? एक्सिस। एक्सिस का मतलब ये हो गया वाई एक्सिस है, और ये तुम्हारा कौन एक्सिस है? एक्स एक्सिस। ई बेचारा ऑब्जर्वर, ये ऐसा ऑब्जर्वर है कि दोनों के बीच की लड़ाई को छुड़ा नहीं रहा है, बस लड़ाई का आनंद ले रहा है। देख रहा है कि ये वाला फोर्स लगा रहा है इस पे और ये वाला फोर्स लगा रहा है इस पे। जरा इसकी डायरेक्शन पर ध्यान रखना, कैसी डायरेक्शन बनने वाली है? तो जो डायरेक्शन बनेगी वो डायरेक्शन हमेशा लाइन के अलोंग होगी। इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी और इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। जरा इसका नाम लिख सकते हो, फोर्स लगा है किस पे? 2 पे। किसने लगाया है? 1 ने लगाया। अब देखो ये जो फोर्स लग रहा है किस पे लग रहा है? 1 पे। किसने लगाया? 2 ने लगाया, ठीक है ना? डायरेक्शन तो मिल गया, लेकिन ये जो लड़ाई दोनों कर रहा है ये तो ऑब्जर्वर है, देख रहा है ओरिजिन पे बैठकर, ओरिजिन पे ही ऑब्जर्वर होगा। वो जो देख रहा है क्या, कैसे देख रहा होगा? जरा इस पर ध्यान देना, ये जो है कभी इसको देख रहा होगा, ठीक है ना? और कभी इसको देख रहा होगा। देखने को जो हम लोग क्या बोलेंगे? पोजीशन बोलेंगे। और जरूरी नहीं है कि इस ऑब्जर्वर से इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस इक्वल हो। मान लो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R1 मान सकते हो, इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? R1। और इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? R2। क्लियर है? अब जरा इस सब महानुभावों का नाम लिख लिया जाए। आप लिखना ऐसे, R1 क्या है? तो बोलना R1 जो है पोजिशन वेक्टर है, ठीक है ना? ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू ओ, ठीक है ना? ऑब्जर्वर से, ठीक है ना? उसी तरह से R2 क्या है तुम्हारा? पोजिशन वेक्टर है ऑन चार्ज Q2, ठीक है ना? बात समझ रहे हैं? उसी तरह से अगर तुमसे बोला जाए F12 बताइए, तो क्या बोलोगे?
जो फोर्स लगा है एफ वन टू का मतलब क्या होगा, वहाँ पे फोर्स ऑन क्यू वन किस पे लगा है, क्यू वन पे ड्यू टू किसने लगाया, क्यू टू ने लगाया। इसी तरह से अगर लिखा जाए फोर्स टू वन तो आप क्या लिखोगे, फोर्स जो लगा है किस पे लगा है, क्यू टू पे लगा है, किसने लगाया, ड्यू टू क्यू वन ने लगाया। यहाँ तक समझ में आई बात, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब आते हैं हमने कूलम्स लॉ पे, अब उसके बाद हम वेक्टर फॉर्म में आएंगे। याद करो फ्रॉम कूलम्स लॉ आपको बताया गया था, फ्रॉम कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ में आपने पढ़ा था एक फॉर्मूला एफ बराबर के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। आर का मतलब हो गया इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, मान लो डिस्टेंस क्या है आर। अब मेन मकसद है बाबू यहाँ आर की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, ठीक है ना, तो यहाँ हो जाएगा के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, हमारा मेन मकसद है यहाँ आर निकालेंगे। लेकिन ये हो गया कूलम्स लॉ, लेकिन इसी चीज़ को अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखा जाए, जरा इसको हम छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, अगर इस चीज़ को अगर हम वेक्टर के फॉर्म में लिखे, इन वेक्टर फॉर्म, जरा समझ नहीं यहाँ पे क्या चेंज होने वाला है, इस पर बैठ जाएगा एरो, एरो डाल देंगे और इसको लिखेंगे के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, एक नया चीज़ यहाँ पे ऐड हो जाएगा मल्टीप्लाई में आर कैप। आर कैप मीन्स यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन को शो करता है। आर कैप क्या है, तो ये है आपका यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर जो है यहाँ पे समझ रहा ना बात, यूनिट वेक्टर है, इसकी जो फॉर्मूला होती है आर कैप बराबर आर वेक्टर बाई मॉड ऑफ आर, यानी आर कैप को हटाकर इसको लिख देंगे तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे जो बनेगा उसको लिख लेना, यहाँ पे बना कि एफ बराबर के, ठीक है ना, एफ बराबर के एफ बराबर बना क्या आपका के क्यू वन क्यू टू, ठीक है ना, और इसको जब आपने तोड़ा है आर बाई आर मॉड, इसको तोड़े हैं तो नीचे यहाँ पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, और यहाँ पे वेक्टर आर बाई मॉड ऑफ आर। जैसे करोगे तो अगला स्टेप में ये दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएगा कि नहीं, मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो क्या आएगा, इसको आप पहले आप नोट कर लीजिए, इसको हम हटा दे रहे हैं उसके बाद आगे लिख लेंगे। चलिए हो गया, ठीक है, यहाँ ध्यान देना पहले यहाँ पे, यहाँ ध्यान दो, इसको हटाया जाए और इसके बाद यहाँ से आएंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, जो मिलने वाला है क्या मिलेगा, के क्यू वन क्यू टू बाई आर क्यू, और यहाँ से हो गया मॉड ऑफ आर, ठीक है। अब मेरा बन चुका है, बस आप यहाँ आर का वैल्यू निकालो, ये आर की वैल्यू कैसे आएगी, तो याद करो थोड़ा सा आपने वेक्टर पढ़ा होगा एडिशन ऑफ वेक्टर, उसमें उसका यूज होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल नहीं पढ़े तभी समझ में आएगा, लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल ऑफ एडिशन क्या कहता है कि यहाँ पे देखना, इसकी जो डायरेक्शन थी इसका एरो पर ध्यान देना, ये जो एरो ऐसे है और इसका एरो कैसे है, पोजिशन ऐसे नहीं आप देख रहे हैं ना, ऐसे है, लेकिन इसमें कोई एरो नहीं है, तो एरो नहीं है तो हम अपने से बना लेते हैं कि Q1 से Q2 ले लो चाहे Q2 से Q1 ले लो, तुम्हारी मर्जी, हम ले लेते हैं ऐसे। तो ध्यान देना एक ट्रायंगल बन गया होगा, और ट्रायंगल में तीन साइड होती है, अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें जो एरो पे नज़र डालना, मेन चीज़ है एरो, देखो ये जो दोनों हैं एक दूसरे के पीछे लगे हैं, इसके पीछे ए लगा है और इसके पीछे कोई नहीं लगा है, फिजिक्स में बोल रहे हैं, ठीक है ना, ये दोनों एक दूसरे के पीछे है और इसके पीछे कोई नहीं है, जिसके पीछे कोई नहीं है उसको रिजल्टेड मान लो, इन दोनों का जो एरो है, इन दोनों का जो एरो है सेम डायरेक्शन में है, इसलिए हम दोनों को जोड़ देंगे R1, ध्यान देना R1 प्लस R, और ये बेचारा इसकी डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए बराबर का साइन में हो जाएगा R2, और यहाँ से क्या निकल जाएगा R की वैल्यू निकल जाएगी R2 बाई माइनस R1, यहाँ से R का वैल्यू निकला ना, जैसे ही R का वैल्यू निकला तो यहाँ पे पुट कर दो, पुट करोगे तो क्या आ जाएगा K Q1 Q2, और R की वैल्यू क्या आ गया है यहाँ से R2 माइनस R1, ठीक है ना, एरो डाल देना Q इंटू आर टू माइनस आर वन,
समझ में आ रहा है ना, ए है आपका कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, यही डेरिवेशन है। मतलब जो फोर्स ए लगा रहा होगा वही फोर्स ओ लगा रहा होगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे एफ टू वन की जो वैल्यू होगी वो होगी एफ वन टू के बराबर। साइन में माइनस इसलिए लगा है कि दोनों की जो फोर्स सेम है, इलेक्ट्रोस्टेट ए बोलता है कि जो फोर्स लगेगा ना तो चार्ज हमेशा रेस्ट में रहेगा, तो ए वाला इस पर उतना ही फोर्स लगा रहा है जितना ए वाला उस पर लगा रहा है, चार्ज को तो भगाना नहीं है, लेकिन साइन माइनस का कारण मतलब ये हो रहा है कि दोनों की जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को अच्छे से करके जाना है। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप पूरे एनर्जी के साथ पढ़ाई कीजिए।